लास्ट क्लास हमारी हुई थी जिसमें हमने फॉन्ट और बॉर्डर्स और इंटीरियर कलर के बारे में बताया था रेंज के ऊपर। अब हम बात करेंगे आपके साथ अलाइनमेंट के बारे में, अलाइनमेंट, नंबर फॉर्मेटिंग और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में बात करें। और इसके लिए हम जनरली यूज करेंगे रिकॉर्डिंग मैक्रो का, क्योंकि रिकॉर्डिंग मैक्रो में भी हम ये चीज कर सकते हैं। अलाइनमेंट, रूबा की अलाइनमेंट देखते हैं। जैसे कि अलाइनमेंट क्या क्या होता है, टॉप टॉप होता है, मिडल होता है, बॉटम होता है, एक से लेफ्ट राइट सेंटर होता है, ये आपका ओरिएंटेशन होता है, ये आपका इंडेंट होता है, ये आपका रैप टेक्स है, ये आपका मर्ज है, ये अलाइनमेंट कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे जब करते हैं आप, ये सारा जो चीज दिख रही है अलाइनमेंट का पार्ट, तो इसको कैसे करें? तो मैं आपको जस्ट मैं एक माइक्रो रिकॉर्ड कर रहा हूं, और माइक्रो रिकॉर्ड करके किसी एक को अप्लाई करूंगा और स्टॉप करूंगा, ये सारा कोड आपको दे देगा, अलाइनमेंट से रिलेटेड सारा कोड दे देगा। यहाँ देखिए सारा कोड दे दिया। अब इसको समझिए, एक तरह से विथ सिलेक्शन, अब सिलेक्शन के जगह पे आप अपना रेंज भी दे सकते हैं, क्योंकि सिलेक्शन और रेंज एक ही होता है, मैं समझा चुका हूं आपको। मैं रेंज जैसे मैंने कर दिया, कौन था B2, विथ B2। अब विथ कमांड क्यों लगता है, ये भी हमने कल बताया था। अब हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट एक्सेल सेंटर है, ओके। तो ये जो आपका हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है, आप देख पा रहे हैं, ये आपका हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है। उसके बाद आता है वर्टिकल अलाइनमेंट। वर्टिकल अलाइनमेंट यहाँ पे एक्सेल बॉटम है, जो कि हमने इसको सिलेक्ट कर रखा है, इसलिए एक्सेल बॉटम है। अब यहाँ पे एक्सेल मिडल और एक्सेल टॉप आप कर सकते हैं इसके जगह पे। उसी तरह से एक्सेल सेंटर के जगह पे एक्सेल लेफ्ट और एक्सेल राइट कर सकते हैं। रैप टेक्स, ये जो आपका रैप टेक्स है ऊपर, ये वाली रैप टेक्स, रैप टेक्स को रैप करना है तो यहाँ पे आप रैप कर सकते हैं, अदरवाइज फॉल्स कीजिए। फिर आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब कि ये जो आपका अलाइनमेंट होता है, जो डिग्री हम चेंज करते हैं, वो डिग्री आपको करना है तो कीजिए, अदरवाइज इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ पे अगला आता है इंडेंट। इंडेंट आपका जो होता है ये होता है, जैसे कि कभी कभी हमें अपने टेक्स्ट को अपने हिसाब से मूव करना होता है कि मुझे कहाँ रखना है, तो इंडेंट का इस्तेमाल करते हैं। देखिए जैसे ये हुआ, मुझे यहाँ पे रखना है तो इंडेंट करना है, तो करना है तो उसका लेवल क्या है, आगे पीछे, आगे होगा तो प्लस में, पीछे होगा तो माइनस। फिर आता है श्रिंक टू फिट। श्रिंक टू फिट यहाँ नहीं दिखेगा, श्रिंक टू फिट आपको दिखता है कहाँ पे, यहाँ। तो श्रिंक टू फिट होता है क्या है, श्रिंक टू फिट क्या होता है, समझ में आता है आपको अनिल जी, पता है? इंटरफिट देखिए बता मिडिल रहा लेवल हूं पे होता है लगता जी, जैसे है, मैंने मिडिल यहां लेवल पे पे हिट कर दीजिए। सुजीत कुमार लिखा, ठीक है, तो ये देख सकते हैं कुमार अगले कॉलम में चला गया, चला गया ना। अब क्या यस है यस कि यस इसमें अब मैं यहां से एक तो दो चीजें कर सकता हूं, एक तो रैप करूंगा तो मेरा रो बढ़ जाएगा, दूसरा मैं कॉलम को ऑटो फिट करूंगा तो कॉलम आगे चला जाएगा, जो समझ। लेकिन ना मुझे रैप करना है ना कॉलम को आगे करना, ठीक है, मुझे मुझे क्या करना है कि मेरा टेक्स्ट जितना बड़ा सेल का साइज है ना उसी में फिट हो जाए, तो उसको श्रिंक टू फिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, श्रिंक टू फिट, ठीक है, ओके श्रिंक टू फिट। तो ये श्रिंक टू फिट करना है कि नहीं करना है, रीडिंग ऑर्डर कॉन्टेक्स्ट ही रहता है, देखो करने की जरूरत नहीं है। दूसरा मर्ज सेल, मर्ज सेल करना है करना, अब ये इकट्ठा है, अब आपको जितना जरूरत है ना उतना यूज किया, आपको जस्ट मर्ज करना है तो सिंपल से कर दीजिए रेंज B2 डॉट मर्ज सेल इक्वल टू ट्रू या फॉल्स, अनमर्ज करना है तो फॉल्स, या मर्ज करने के लिए तो डायरेक्ट कोड भी होता है कि मैं यहाँ पे अगर सिलेक्ट कर लू रेंज, मुझे मान लीजिए कि B1 से लेके D1 को मर्ज करना, तो डॉट मर्ज, सिंपल मर्ज लिख दी, ठीक है। एक बार, एक वित्त कैसे, किस लिए उस पर से बता सकते हैं, वित्त ओनली। वित्त के लिए कल बताया था मैंने ना, कल सच्चा समझाया था, कल नहीं थे क्लास में क्या आप? नहीं, कल नहीं था।
विथ का यूज होता है, जैसे कि मान लीजिए सिंपल वर्ड में बताइए। सिंपल मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सिंपल क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मुझे रेंज पे फॉन्ट अप्लाई करना है, ठीक है। मुझे क्या करना है कि यहाँ पे C3 के रेंज A1 पे फॉन्ट अप्लाई करना है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सीट्स, यहाँ पे देंगे C3 डॉट रेंज रेंज A1 डॉट फॉन्ट डॉट नेम इक्वल टू एरियल, ठीक है। इतना लिखा हमने। अब मुझे अब इसकी फॉन्ट की साइज भी चेंज करनी है, तो मुझे पूरा फिर से लिखना होगा क्या? बस यहां जो डॉट यस नेम है उसको हम डॉट साइज करेंगे और यहां पे देंगे 14। ऐसे मान लीजिए मुझे फॉन्ट का कलर भी चेंज करना है, तो वापस सेम काम कल करेंगे यहां पे। तो कलर करके चेंज कर। आपको हर बार ये इतना लिखना पड़ रहा है ना, राइट तो मेरे एक सिंपल सा समझिए, जब आपके एक ही ऑब्जेक्ट के किसी मेंबर के सब मेंबर के कई सारे मेंबर्स हैं आपके, तो उस केस में हम इसको विथ कमांड कर देंगे, विथ के साथ जो, और सिर्फ हम सब मेंबर देंगे, मतलब कि अब जो है ये पूरा C3 डॉट रेंज A1 लिखने की जरूरत नहीं है नीचे, ठीक है। यहीं पे हम दे देंगे डॉट साइज इक्वल टू 14 डॉट कलर इक्वल टू वीवी रेड, यहीं पे लिख देंगे। जहां जब खत्म हो जाएगा तो यहां पे एंड पेस्ट करते हैं, सिंपल, ठीक ओके है। मतलब पूरा डिस्क्रिप्शन लिखने की जरूरत नहीं है अपने को। जी हाँ, सेम इसी तरह से अगर मान लीजिए कि मैं विथ ना लगाता तो ये रेंज हर हर बार साइज लिखनी में लिखना, पड़ती समझे कि नहीं? है। यस यस समझ में आ गया। विथ के साथ हम काम रिड्यूस कर सकते हैं पूरे टाइम लिखने जी, तो ये समझ में आ गया आपको, और ये यस अलाइनमेंट समझ में आ गई, और फिर यस समझ में आए। यस अलाइनमेंट के बाद आता है नंबर फॉर्मेट, मतलब ये जो ये याद ही नंबर, करना पड़ेगा या हेलो यस ये याद ही करना पड़ेगा। कोई ऐसा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में कोई ऐसा नाम वगैरह नहीं आएगा लगता है, याद ही करना पड़ेगा ना इसको नहीं आता है, डॉट बनाने पे सब आ हॉरिजॉन्टल जाएगा आपको। लाइन। डॉट लगाते आ जाएगा, लेकिन सीड्स के साथ डॉट लगाइएगा तो नहीं आएगा, रेंज के साथ लगाइए तो आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे कीजिए A1, अब यहाँ पे देखिए जैसे डॉट अलाइन अलाइनमेंट में नहीं है, अच्छा हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है ना, डॉट हॉरिजॉन्टल एच हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट एच आ गया ऐसे। वही तो फर्स्ट वर्ड याद याद होना चाहिए। हाँ वो तो करना पड़ेगा ना, वर्टिकल अलाइनमेंट इसे तो याद करना पड़ेगा ना, लैंग्वेज है ना सर, वो इंग्लिश सीखते हैं तो आपको वर्ड्स तो याद करने पड़ते हैं ना क्या? इसीलिए पूछ रहा था इधर एक्सेल में कोई ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है क्या कि अगर हम उससे साथ कर्सर रखेंगे तो वो थोड़ा बहुत नाम तो याद दिख जाएगा, ऐसा नहीं है नहीं लगता। नहीं 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 उसके आप ये हो सकता है, मैंने बताया था लास्ट शुरुआत में कि आप पूरी आपको रेंज रेंज के कितने मेंबर्स हैं उसका लिस्ट मिल सकता है कि हाँ रेंज के डॉट लगाने पे क्या क्या मेंबर्स आता है, उस मेंबर्स का क्या काम है, इसकी लिस्ट मिल सकती है सिर्फ। वर्कबुक के ऊपर डॉट लगाने पे क्या क्या मेंबर्स हैं उसकी लिस्ट मिल सकती है, ठीक है। कि वो कहाँ वो गूगल पे मिलेगी क्या डायरेक्टली गूगल पे नहीं ऐसे यहाँ ये दिख रहा है ना, क्वेश्चन मार्क दिख एल रहा है, हाँ हाँ ओके इस ओके पे ओके क्लिक ठीक है कीजिए चलिए। और यहाँ पे आए हेल्प सेक्शन राइट ठीक है, यहीं पे दिख रहा है। ये मैं शुरुआत में बताया भी था, आई थिंक आप ध्यान नहीं दिए होंगे, हाँ वीबीए, ठीक है, याद है वीबीए रेफरेंस, और यहाँ पे जाइएगा ऑब्जेक्ट मॉडल, ये आपका सारा ऑब्जेक्ट, ठीक है।
दिख रहा है यस सारा? यस यस ये समझ में आ गया आपको? यस यस अब नंबर फॉर्मेटिंग की बात करते हैं, तो मुझे रेंज ए वन डॉट नंबर फॉर्मेट, नंबर फॉर्मेट में जो हम कस्टम फॉर्मेटिंग के अंदर जो कोड डालते हैं ना, जैसे मुझे मान लिया कि मुझे इसको परसेंटेज करना है, तो परसेंटेज में क्या कोड डालते हैं कस्टम फॉर्मेटिंग में? 0.0% कस्टम, ठीक है? उसी तरह से मान लीजिए मुझे डेट डेट का फॉर्मेट चाहिए, तो ए वन डॉट नंबर फॉर्मेट डेट चाहिए, तो डी डी स्लैश एम 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 स्लैश वाई वाई, ठीक है? मुझे यहां पे मान लीजिए कि टाइम का फॉर्मेट चाहिए, तो रेंज ए वन डॉट नंबर फॉर्मेट इक्वल टू एच एच एम एम एस एस, ठीक है? तो जो कस्टम फॉर्मेटिंग के कोड होते हैं यहां इसके अंदर, यहां पे ये सारा कोड आप डाल सकते हैं। अब कस्टम फॉर्मेटिंग के कोड आपको पता नहीं है तो फिर इसके लिए मेरी कस्टम फॉर्मेटिंग वाली वीडियोस जो एक्सेल की है वो देख, ठीक है? ओके अब बात करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग को फिलहाल जो है आप जो है रिकॉर्डिंग से ही करें, क्योंकि थोड़ा सा लंबा है और समझने में दिक्कत होगी, तो रिकॉर्डिंग करें, और रिकॉर्डिंग करके आप यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएं, और जैसे मान लीजिए मुझे ग्रेटर देन 50 पे कलर करना है येलो, ठीक है? तो यहाँ पे हम गए फॉर्मेट कलर और हमने फिल में आके ये येलो कलर ले, ठीक है? एंड ओके। अब यहाँ पे स्टॉप करते हैं, अब इसकी कोडिंग को देखते हैं। चलिए देखिए कोडिंग है सिलेक्शन, सिलेक्शन की जगह पे आप रेंज दे दीजिए कि रेंज ए वन, या फिर जो भी आपका है वो दे दीजिए जहां पे लगाना है। तो सिलेक्शन डॉट यहां पे इसको रहनी चाहिए, सिलेक्शन डॉट फॉर्मेट कंडीशंस डॉट एड, ये तो हो गई आपकी मेनर कि रेंज के ऊपर फॉर्मेट कंडीशंस मेंबर उसके सब मेंबर हो गया एड। अब एडेड में एड कहां पे करना है? तो एक टाइप है एक्सेल सेल वैल्यू, ऑपरेटर क्या है एक्सेल ग्रेटर। अब ग्रेटर के दिन पे क्या डालेंगे आप? लेस, लेस देन, लेस एक्सेल, लेस एक्सेल बिटवीन, ठीक है? और फॉर्मूला में आप अपने कंडीशन डालिएगा, फॉर्मूला में क्या डालिएगा? कंडीशन डालिएगा। तो ये तो आपकी फॉर्मेटिंग लग गई। अब बारी आती है कलर की, तो यहां जो अकाउंट वाला है फॉर्मल कंडीशन काउंट सिलेक्शन काउंट करके आया है, इसको हटा दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है? अब इसके साथ हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी कि पहले कंडीशन फॉर्मेटिंग की इंटीरियर कलर जो है ए होना चाहिए। अब एक एक कलर कोड भी चलता है, या फिर इसके जगह पे जो मैंने बताया था कि एबीवी रेड ग्रीन ब्लू येलो डाल दीजिए, या आरजीबी कलर डाल दीजिए जो कल की क्लास में पढ़ाया था, ठीक है? और ए फिर ये सब डालने की जरूरत नहीं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग इसी तरह से लगाया जाता है कि पहला आपने जो फॉर्मूला लगाया सो बीच के बाकी चीज जो है उसको खाली कर दीजिए, और फिर दूसरा आपका ए लगेगा, ये आपका कलर लगेगा। अब यहां पर पैटर्न उटर्न दिख रहा है, इसको भी आप हटा दीजिए, इसको भी जरूरत नहीं है, हमें तो सिर्फ कलर डालना है ना, तो ये रहा सिर्फ कलर, ठीक है? अब एक ही है, एक के लिए विथ क्यों लगाइएगा? विथ भी हटा दीजिए, ठीक है? ओके आया समझ में सर आप लोगों को? ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग। देखिए अब आगे जो है इस तरह से फॉर्मेटिंग मैंने समझा दिया उससे नहीं है, अब मुझे एक प्रोजेक्ट आप लोगों से करवाना है, लेकिन मुझे पता है कि प्रोजेक्ट आप डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे, ठीक है?
तो मुझे क्या करना है कि उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो वीडियोज है वो आपको मैं दे रहा हूं, पहले उस वीडियो को देखें और फिर उस प्रोजेक्ट करने की कोशिश करें। प्रोजेक्ट क्या है? अटेंडेंस का फॉर्मेट। क्या है? अटेंडेंस का फॉर्मेट। ठीक है, कि आपको एक अटेंडेंस फॉर्मेट क्रिएट करना है। ये दिख रहा है आपको? डे 12, ये फॉर्मेट दिख रहा है कि जब हम किसी अपने इसके मैक्रो को रन करें तो रन करते ही इसे मैक्रो नहीं है क्या? टेस्ट, अच्छा टेस्ट क्वेश्चंस है, सोल्यूशन में देना होगा। देखो बोल रहा हूँ कि इसमें ये सोल्यूशन दिख रहा है। अब मैं यहां पे मार्च का दिख रहा है। अब जैसे यहां पे मैं रन करूं मैक्रोस अटेंडेंस रन, मुझसे मंथ पूछेगा। मैं मान लीजिए कि जून है तो जून महीना यहां पे डाल दें। तो देखिए इसने जून का अटेंडेंस बना दिया। जून में 31 दिन होते हैं, 30 दिन आ गए। जून की जो सैटरडे संडे है वो सैटरडे संडे यहाँ पे इसने दे दिया और फॉर्मेटिंग कर। ठीक है सर, तो इसको कैसे किया गया है ये हमने इसकी वीडियो में समझाया होगा, तो आप उस आपको मैं वीडियो भेज रहा हूं, उसको देखिए और देख के बनाने की कोशिश करें। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए मैं डायरेक्ट नहीं बता रहा हूं। ठीक है,